काफ़ी अरसे से मेरे हस्बैंड वैसे ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब जाके मुझे फील हो रहा है कि मुझे भी इनका जो है हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो प्रेशर रहते थे, टेंशन में भी रहते थे, तो इनका जो मेन मेरा जो है इधर आने का जो मकसद ये है कि इनका ख्वाब है कि हमारा ब्रांड बने, ब्रांचेज इसकी बने, तो मुझे लगता है कि अब इन्हें मेरी ज़रूरत है और जितना हो सकता है मैं इनकी वो हेल्प ही करती हूँ काउंटर पे भी। हमारी जो स्पेशलिटी है वो तो बेसिकली है खोया बर्फी, जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बर्फी है ये टोटल, इसमें हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, हमारा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसमें कोई भी मिलावट नहीं करते। ज़रा मुश्किल था इस हमारे सोसाइटी में रहते हुए एक औरत का बाहर निकल के मर्दों में काम करना, लेकिन इनको सबसे जो मैं जब इनसे बात की तो इन्होंने पहले तो हेजिटेशन थोड़ी फील की, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि मुझे आपके होते प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं मुकम्मल सिक्योर फील करूँगी। और मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों पे ना फोकस कर रहे हैं जो इनके हमें कामयाबी की तरफ मज़ीद लेके जा रही हैं। इन्हें मेरे होते हुए परेशानी भी नहीं है शॉप की, अगर ये ना भी हो तो मैं फुल डेज को यानी कि चला सकती हूँ। तो ये बिज़नेस मैंने इनिशियली 5 years बिफोर मोहल्ला से स्टार्ट किया था, एक स्मॉल बिज़नेस से, तो वहाँ से हमने इसको एक्सटेंशन देते देते अब हम मार्केट में आए हैं ताकि लोगों के लिए हमें ढूंढना, हमारी बर्फ़ी को, हमारे मियार को ढूंढना ज़रा एक्सेसिबल आसान हो जाए। हमारी 40-40 किलो दूध की कढ़ाइयाँ हैं, हम उनमें 30 kg दूध डालते हैं और उसका तकरीबन हम 7 से 8 kg बर्फ़ी निकाल लेते हैं उससे। और जस्ट डायरेक्ट ये खोए से बर्फ़ी नहीं बनती, ये कम्बिनेशन होता है दूध और खोए का, धीमी आंच पे पकाना पड़ता है हमें, लेकिन ये हम 10 किलो बर्फ़ी बनानी हो तो हमें 30 मिनट्स दरकार होते हैं। हम वही दूध लेते हैं, हालस दूध लेते हैं, उससे हालस खोया बनाते हैं, इलायची हम ऐड करते हैं, हम देसी घी भी डालते हैं इसमें, और हमारी जो इसमें शुगर की मकदार होती है वो कम होती है। अगर किसी बंदे ने बर्फ़ी बाहर बेचनी हो तो हमें ये प्रेफर किया जाता है कि प्योर एंड फ्रेश से बर्फ़ी हमें बेचें, तो ले के आने वाला हमें ये बताता है कि हमें UAE से या सऊदी अरब से या इंग्लैंड से या अमेरिका से हमें कॉल आई है कि फलां जगह पे दुकान है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पहचान बन चुकी है।